अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में थ्योरीज कुछ नहीं है, सिंपल एक चीज़ है, आपको एक रेजिस्टेंस दी जाएगी, आपको एक बैटरी दी जाएगी, बैटरी का एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा, और जैसे ही आप इस बैटरी के टर्मिनल्स को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन भाग के इधर से इधर आ जाएगा तो करंट ऑपोजिट जाएगा। तो रूल नंबर वन, करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि ऐसा है क्या बैटरी में कि जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजता जा रहा है। तो इमेजिन करो आपके पास ये एक बैटरी है, जब ये मान लो किसी फैक्ट्री में बनी तो उस फैक्ट्री वाले ने इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए मेटल के, ये रहे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट कोई केमिकल है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। केमिकल डालते ही उस केमिकल ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि केमिकल के पास एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइट के पास एनर्जी है। वो क्या काम करता है देखो, शुरू में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं था, इलेक्ट्रोलाइट ने आयंस पकड़े, मान लो पॉजिटिव आयन पकड़ा, जबरदस्ती धक्का मार के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर फेंक रहा है, फेंकते ही जा रहा है, मतलब इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाती जा रही है आयंस के ऊपर, पॉजिटिव को यहाँ डालती जा रही है, नेगेटिव को यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। हम इकट्ठे दो चार्ज नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ फोर्स लगाती जा रही है FP, ये बैटरी की फोर्स है। अब बैटरी की फोर्स ना कांस्टेंट है, मान लो 10 न्यूटन की फोर्स है, इमेजिन कर लो। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज जबरदस्ती बैटरी की एनर्जी से कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, और नेगेटिव यहाँ हो रहा है। बैटरी ने शुरू कर दिया काम अपना, जैसी बैटरी बन रही है अभी फैक्ट्री में, बन अभी आई नहीं मेरे पास, अभी तैयार हो रही है। शुरू शुरू में आयन इसकी बात मानेगा केमिकल एनर्जी की, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट और जबरदस्ती इसको यहाँ जाना पड़ रहा है, तो प्लस चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। थोड़ी देर के बाद प्लस और माइनस बहुत डिपॉजिट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते जा रहे हैं। अब होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब बैटरी का केमिकल फिर 10 न्यूटन से इसको धक्का मारेगा, अब पॉजिटिव आयन कहेगा कि मैं नहीं जाने को तैयार, क्योंकि यहां पर बहुत पॉजिटिव है जो मुझे धक्का मारता है, तो मैं या मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है जो कि शुरू में कम थी, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज कम थे, तो लेकिन तुम तो कॉन्स्टेंट फोर्स लगाते जा रहे हो 10, तो शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले एक थी, तुमने चार्ज डिपॉजिट कर दिया, फिर ये दो हो गई और डिपॉजिट हो गया, ये तीन हो गई और चार्ज तुमने धक्के से डिपॉजिट कर दिया, और अल्टीमेटली ये 10 हो गई। अब बैटरी तो कांस्टेंट जोर लगा रही है 10 न्यूटन से चार्ज को, चल तो भाग यहाँ से, ऊपर इलेक्ट्रोड भी इकट्ठी हो जा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, चार्ज वहीं रुक गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, कोई चार्ज हिलेगा नहीं, पर बैटरी अपना काम कर रही है अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो धक्का मारती जा रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा धक्का मार रहा है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, बैटरी मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गई। ये बैटरी बन के आई है, इस बैटरी में ये इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। अब जैसी मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करूँगा, ठीक है, जैसी वायर कनेक्ट हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी ने इसको, इस इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को उड़ा दिया, अब फिर इक्विलिब्रियम खराब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ गया, बैटरी फिर जीत गई क्योंकि 10 न्यूटन की फोर्स लगती जा रही है, बैटरी जबरदस्ती फिर एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ धक्के से ऑपरेट कर देगी, इधर से इलेक्ट्रॉन खिसकता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कमजोर होता जाएगा, बैटरी अपना काम करती रहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती रहेगी, इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे और बैटरी उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंटेन करती रहेगी। तो जब तक वायर कनेक्टेड है, वायर कनेक्ट करने से इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं यहाँ से यहाँ, तो बैटरी तो अपना काम कॉन्स्टेंट करती जा रही है, तो इस प्रोसेस में बैटरी ने ना कुछ वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, बैटरी ने जो फोर्स अप्लाई की और इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस डी था, तो बैटरी ने इतना वर्क डन किया इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू चार्ज को इलेक्ट्रोड पे पहुंचाने के लिए। तो इस वर्क डन बाय चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसलिए क्योंकि बैटरी की कांस्टेंट फोर्स अंदर ऑपरेट कर रही है, इसलिए इसका नाम किसी अंग्रेज ने क्या रखा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता यह पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली दो टर्मिनल्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, इसका नाम EMF क्यों है? हालांकि आपसे ये थ्योरी कोई पूछेगा नहीं,
बिल्कुल नहीं पूछेगा, बट आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो गया कि ये बैटरी ऑपरेट कैसे करती कैसे। जब तक केमिकल में दम है तब तक बैटरी 10 न्यूटन लगाती जाएगी, केमिकल वीक हो गया 10 न्यूटन लगाना बंद, छुट्टी, बैटरी खराब हो गई, ऐसे काम होगा।